देखिए दोपहर के 2 बजा है, कितना अंधेरा हो चुका है, पूरा अंधेरा हो गया है। देखिए पूरे आसमान को देखिए कितना अंधेरा है। बादल देखिए किस पर बादल दिख रहा है। काले काले बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की संभावना है, पूरा अंधेरा है। अभी सामने हुआ लेकिन लग रहा है रात हो चुका है बादल की वजह से। सबको देखिए अपने अपने कपड़े उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा पूरा अंधेरा हो चुका था, तभी तो बहुत जोरदार बारिश आ गई है। तो पहले से तैयारी है मेरे यहाँ बोले पहले से तैयारी है। तो देखिए बारिश आपको दिखाई दे रहा है क्या थोड़ा मोड़ा? अच्छा मोबाइल लेके मैं ज़्यादा बारिश हो रहा था तो आपको नहीं दिखाया क्योंकि ना बहुत बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहा था। तो वैसे मोबाइल बाहर निकालना तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, इसलिए मैं मोबाइल बाहर नहीं निकाली थी। हम लोग तो घर में बैठे थे, तो आपको थोड़ा बाहर में दिखा देती हूँ बारिश का सीन। कि कितना मतलब बारिश हो रहा है, अभी तक थोड़ा बारिश कम हो गया है, अभी भी बिजली चमक रही है और बादल पूरा एकदम जोर से बोल रहा है। तो हम लोग बारिश में आज बनाने वाले हैं जलेबी। तो देख आपको बता दूँ क्या क्या जलेबी में लगेगा, चलिए देखते हैं। मैदा लिए हैं, ये वाला पैकेट वाला मैदा है ना, ये मैदा हम लोग जिस पर आपको दिखाई थी माखन मुख का। तो हम एक पैकेट मैदा है और एक पैकेट ज़्यादा मैदा है, और ये इनो पाउडर इसमें ज़रूर डालना है, ये इनो पाउडर है, और तेल डालना है। तो सब कुछ डाल के आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। तेल डाल दिया इसमें, मीठा तेल डाला है, वो दिख रहा होगा ज़्यादा मैंने मतलब 5-6 चम्मच तेल डाले हैं, इस चम्मच से 5-6 चम्मच, जितना तेल डालिएगा उतना मतलब अच्छा रहता है। अब देखिए इनो पाउडर पूरा डाल देना है, तो पूरा डाल दूंगे इसमें। अब इसको पानी मिला के घोलना है, घोलिए पानी मिला के जितना डालना है, धीरे 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 करके मिला मिला के घोलना है। तो घोल के आपको दिखाती हूँ, घोलना है धीरे धीरे पानी मिला के घोलना है। मैं वीडियो बना रही तो मैंने घोल रही है, तो मेरे हस्बैंड घोल रहे थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह घोलते हैं, ऐसे पूरा जितना पतला ना मोटा भी साइज घोट देना है, पूरा घुरा जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। ठीक है, पूरा लोटा का पानी लग गया मेरा, थोड़ा सा बचा है, अभी और लाना पड़ेगा। हो चुका है ये इतना ही गाढ़ा रखने का है, ऊपर कीजिए तो देखिए इतना ही रखने का है, और थोड़ा होगा मिक्स अभी ये। तो तैयारी में चाशनी बनाने के लिए तो चल रहे हैं, हमें चीनी निकाल के चाशनी बनाऊंगी, तब आपको दिखाते हैं। इतना चीनी लिया है, 1 पाव से ज़्यादा है, 1/2 किलो से कम, यानी मैं ऐसे अंदाजी चीनी ली हूँ। तो मतलब जितना मैदा रहता है उतना चीनी लेने का, 1/2 किलो मैदा, 1/2 किलो चीनी लेने का भी है। तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, मार्केट में तो हम लोग को मीठा खाना ही पड़ता है, घर में बनाने का फ़ायदा यही तो है, कम मीठा डाल के खाओ। तो इसीलिए मैं कम चीनी दी हूँ, और जितना चीनी रहता है उसके आधा मतलब पानी लगता है। तो मैंने आप समझिए 1/2 किलो थोड़ा सा कम चीनी, तो मैं इतना पानी दे रही हूँ, देखिए इतना डाल लूँगी पानी। और फिर इसको उबाल चाशनी बनाना है, 1 तार का चाशनी बनाना है। तो चल रही हूँ मैं बनाने, बना के आपसे मिलती हूँ। और चाशनी थोड़ी थोड़ी सी डालनी है इलायची लास्ट में, मैं जब डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। बेटर जलेबी का
और देखिए मैं इसमें भरूंगी, केचप का डब्बा है इसमें भी, और प्लास्टिक काट रही हूँ मैदा का। जब प्लास्टिक में अपना सकते हैं, दूध के प्लास्टिक में, कोई मैदा का प्लास्टिक है तो मैदा का प्लास्टिक ली हुई वाला, इसमें बनाऊंगी। अब इसमें भर रही हूँ, जैसे पूरा भर के फिर डालना है। देखिए मेरी चाशनी भी बन रही है, उबल रही है। इसमें रंग डालने का है तो मेरे पास रंग नहीं था तो मैं हल्दी डाल रही हूँ, और देखिए मैं इलायची भी डाल रही हूँ। तो ये मेरी चाशनी बन के तैयार है, देख सकते हैं। अब छान के इस कढ़ाई में छानूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी छान के फिर इसको डाल। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसको मैं डाल के इसमें इलायची डाल दी और गैस ऑफ कर देती हूँ। तो हमारा ये तैयार है चाशनी बन के। हाँ, मैंने गरम करने तेल दे दिया है कढ़ाई में, मीठा तेल है ये तिरुपति का, और इसमें भर लिया है। अब इसको मैं नहीं डालूंगी, मेरे हस्बैंड डालेंगे इसमें। तो डाल लेंगे तो आपको दिखाती हूँ, जब डाल लेंगे तब। वेट कीजिए, छाना रहा है, अंदर चला गया है जलेबी। अब इसको पलटाना है सुनहरे तक, इसको तलना है। तल के जब निकालेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा चाशनी है तैयार है, इधर बहुत गर्म है, देख सकते हैं आप। इसी में इसको डालूंगी, अभी बनेगा तो फिर आपको दिखाती हूँ अभी तुरंत। मेरे पास चिमटा नहीं है, इसी से काम चला रही है। इस बार जाऊंगी मार्केट तो खरीद के लाऊंगी। बना रहा है तो बैठी हूँ इधर, अभी देंगे तो डालूंगी। अभी देखिए बादल पूरा साफ हो गया है, एक बारिश नहीं हो रही है। देखिए रख लें, तो लग रहा है बन गया है। अब निकाल रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज बहुत बारिश हुई, पूरा बिजली इतना कड़का, ऐसा बादल गरजा, ये सब डर के मारे घर के अंदर ही छुपे थे। तो देखिए ये छना गया है, ठीक से अभी नहीं बन रहा है, अभी नया नया ट्राई मार रही हूँ तो ठीक से मतलब गोल अभी नहीं हुआ, हो गया है पतला गोल नहीं हुआ। तो मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी सबको। सारे सबको चाशनी में डाल दूँगी, इसको ऐसे दाबना है। पलटा भी देना है इतना। चाशनी घुसने तक इसको छोड़ देना थोड़ी देर तक, झाप के रख देते हैं। अब मैं इसको उभार लेती हूँ। देखिए हमारा तैयार है चाशनी जलेबी, और मैंने पहले निकाल के रखा है। देखिए इसको ऐसे जरा अब सबको निकाल देना है ऐसे करके। ऐसे यहाँ पे रख देना है, इतना देखिए फिर से बन के आ गया। कोई कोई अच्छा बना है, तो सबको निकाल के फिर डाल के आपको दिखाते हैं।
फिर ऐसे सबको निकाल के फिर ऐसे सबको डालना दोबारा, तब छान के आते आते इसको डाल देना, छान के आते थे इसको निकाल देना, जैसे मैंने डाल दिया तब तक वहाँ पे छना रहा है। फिर इसको देखिए इस तरह मैंने कर दिया, अब फिर इसको पलटा देंगे इसे। तो मैंने डाल के ढाप दिया और फिर से निकल गया, तभी उसमें जगह नहीं है तो मैंने डालेंगे, फिर डालेंगे इतना। और देखिए मेरा इतना बन के तैयार है, तो आप लोग भी इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बना के। मैंने इलायची इसमें डाल दी, सबको दिखाई थी ना मैं इलायची डाली थी, तो अच्छा टेस्ट आता है, बहुत कुरकुरा बनता है ये, बहुत ही कुरकुरा बनता है। जी मैं खा के आपको दिखाती, लेकिन पानी से पानी दिखाऊंगा खा के, तो पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। जलेबी सब बन के तैयार है और हम लोग आधा खा भी चुके हैं, आधा खा भी चुके हैं, मस्त बना है एकदम कुरकुरा। देखिए मस्त कुरकुर बना है, सब अच्छा बना है, कैसे दिखाऊँ, ये देखिए अच्छा। तो मैं सब इसको एक बार इसमें डाल दूँगी, अब आप इस तरह बनाइएगा। तब देखिए मैं खा रही हूँ, बहुत नरम है, अच्छा बना, गिचड़ों में बैठ के खा रही हूँ। आप भी बनाइएगा, टाइम आइएगा, खा के दिखा रहे, अच्छा बना है, पुराना है। आप लोग लिंक कलर डालिएगा, मैं कलर डाली नहीं थी, अच्छा नहीं होगा। और थोड़ा नल्दी भी छाने जा रही हूँ खाने के लिए, मीठा के साथ थोड़ा नमक चाहिए। ए कुछ नहीं।